बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, जफर इकबाल अस्पायर रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं गुलबर्ग ग्रीन्स का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है। गुलबर्ग ग्रीन्स इस वक्त इस्लामाबाद के नज़दीक तीन एक अच्छी बेहतरीन सोसाइटी बनती जा रही है, और यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं इस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी, और जो कमर्शियल इसका मेन बुलेवर्ड है उसके साथ साथ भी बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त कारोबारी सर्वे में भी जा रही हैं, वहाँ पे कमर्शियल शॉप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और इसी तरह से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह के भी बिल्डिंग्स हैं जो अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो उसमें हमारे पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। अगर आप वहाँ पे कोई अपार्टमेंट लेना चाहें, आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहें, वो परचेज के वाले से भी आती रहती है वक्तन फक्तन। इसी तरह से वहाँ पे रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी अगर आप वहाँ पे रेंट के ऊपर अपार्टमेंट लेना चाहें, 1 बेड 2 बेड 3 बेड, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन ब्लूवर्ड के साथ साथ हैं, उनके अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो नाजिन, आज जो प्रोजेक्ट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये लेक्सस मॉल है। बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ है, इसके अंदर कॉरिडोर्स भी बड़े साफ सुथरे कुशादार कॉरिडोर्स हैं, और इसी तरह से मेंटेनेंस वगैरह भी, इसकी जो मैनेजमेंट है वो ठीक रहती है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑफिसेज भी अवेलेबल हैं और अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये 2 बेड अपार्टमेंट है जो वहाँ पे रेंट के लिए अवेलेबल है। 2-3 दिन पहले ये खाली हुआ है, और कल जाके मैंने इसके वीडियो बनाई थी, और आज आपके साथ मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो अपनी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपके साथ ये शेयर करता हूँ, उसको देखिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर एक्सेस मॉल के अंदर एक अपार्टमेंट है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये अपार्टमेंट रेंटल पर्पस के लिए है, और जस्ट अब 2 दिन पहले ये खाली हुआ है, लेकिन मुझे मौका मिला, मैं इसकी एक वीडियो में आके आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अगर रेंट के ऊपर लेना चाहें तब भी इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप परचेज करना चाहें तो लेक्सेस मॉल के अंदर भी हमारे पास 1, 2, 3 बेड्स के अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और रेंट के ऊपर भी 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको साथ इसका विजिट करवाता हूँ कि अपार्टमेंट की क्या कंडीशन है। देखिए, तो ये सबसे पहले इसका लाउंज है, आप इसकी फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं। यहाँ ये 2 बेड अपार्टमेंट है, और 1020 स्क्वेयर फीट टोटल साइज है इसका। बड़े अपार्टमेंट है, और इसके लाउंज काफी बड़ा है ये, माशाल्लाह। और ये सामने इसके जो दोनों बेड्स हैं वो हैं, अब मैं आपको एक बेड दिखाता हूँ इसमें। ये इसका एक बेडरूम है, सीलिंग आप देख लीजिए। और ये कॉर्नर अपार्टमेंट है, सामने भी बेल्कनी भी मौजूद है, गीजर लगा हुआ है। ये सामने इसका वॉशरूम, वॉशरूम में आप देख सकते हैं माशाल्लाह टाइल वर्क वगैरह ठीक लगा हुआ है। ये सामने इसका कबर्ड, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छी खूबसूरत अलमारी बनी हुई है। और ये इसका जो दूसरा रूम है उसके दिखा रहा हूँ।
जस्ट ये एक दो दिन पहले ये खाली हुआ है। इस रूम के अंदर भी आप कपड़ नजर आएगा, ये अच्छा फिनिश किया हुआ माशाल्लाह, अच्छे खूबसूरत बने हुए। ये और साथ ये इसका वॉशरूम, और ये मैं अभी आपको इसका किचन दिखा रहा हूँ। किचन के अंदर कुछ थोड़ी सी सफाई होने वाली है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जस्ट दो दिन पहले ये खाली हुआ है, तो इसलिए अभी जो सफाई सफुई का काम होने वाला है। और ये सामने इसकी जो बालकनी है, बालकनी के अंदर से जाके दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये गीजर भी लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे पानी का इंतजाम भी मौजूद है। इसी तरह से यहाँ से आपको व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये साथ बुलेवर्ड है, जो मेन बुलेवर्ड है गुलबर्ग का वो है, और इसके सामने आपको ये बड़ा अच्छा व्यू इसका यहाँ से आप देख सकते हैं। लेक्सस मॉल अच्छा खूबसूरत बना हुआ लेक्सस मॉल है। इसकी आप फिनिशिंग देख लीजिए, इसके कॉरिडोर्स वगैरह का आप देख लीजिए, बड़े कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे। और मैनेजमेंट मेंटेनेंस वगैरह ये सारा बेहतरीन कर रहे हैं यहाँ माशाल्लाह। इसी तरह से ये सेंटर में एक अच्छा आप देख सकते हैं, हर अपार्टमेंट के साथ लॉबी मौजूद है, लॉबी के साथ है ये। तो नाज़रीन अभी आपने ये वीडियो देखी, इसके अंदर जो अपार्टमेंट है वो आपने देखा, और गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जो लेक्सस मॉल है यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहें तो ये डिफरेंट रेट्स के अंदर आपको मिलेंगे। जो जो इसके रेंटल वैल्यू है वो डिफरेंट है, यानी अगर आप वन बेड की तरफ जाते हैं तो राउंड रोड 35,000 से लेकर 40,000 की रेंज के अंदर आपको मिल जाता है। जो टू बेड अपार्टमेंट है ये नॉर्मली आपको 50 से लेकर 60 की रेंज के अंदर मिल जाता है। मुख्तलिफ होते हैं अपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ ऑनर्स डिफरेंट डिमांड कर रहे थे, लेकिन एवरेज यही आ जाता है। और इसी वजह से जो फर्निश्ड अपार्टमेंट हैं वो कोई 80 से 90 की बजट के अंदर आपको मिल जाता है। तो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर अगर आपको कोई भी अपार्टमेंट चाहिए, यहाँ आप कोई कमर्शियल शॉप लेना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, या रेंट के ऊपर आप लेना चाह रहे हैं, या आप अपने कोई सेल करना चाह रहे हैं, या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे जो ये व्हाट्सएप नंबर है इनके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको एक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।